हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। पूरी उम्मीद करूंगा कि ये साल पिछले साल की तरह ना हो, सबकी सेहत अच्छी रहे, सबको कोई फिक्र ना हो बाहर निकलने के लिए, मिलने के लिए और जो जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करने के लिए। और आई एम वेरी श्योर कि इस साल में हम ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ देंगे और कोविड के स्केयर से आगे जाएंगे। पर आपके लिए साल बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे, लाभ दे आपको, ये मैं पूरी कामनाएं करूंगा। और इसके साथ ही हम चलते हैं कि मार्केट में क्या किया जाए। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि क्यों मेरे को लग रहा है कि ये जो बुल मार्केट है ये अभी भी एक नेसेंट स्टेज पे है, अर्ली स्टेज पे है, अभी शुरुआत है, अभी बहुत और चलना है इस बुल मार्केट ने। क्योंकि जो फाउंडेशन बनी है बुल मार्केट की वो एक बहुत ही ख़राब मोमेंट में बनी है, और जो भी अच्छी हिस्टोरिक बुल मार्केट्स होती हैं वो बहुत ही ख़राब मोमेंट पे ही स्टार्ट होती हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि कैसे रोरिंग ट्वेंटीज़ के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल वही सेटअप नज़र आ रहा है। तो वो भी एक और रीज़न है कि भी मार्केट बहुत ही अच्छी सस्टेन लॉन्ग बुल मार्केट बन रही है। इसके साथ मैं दो चीज़ें और आपको पॉइंट आउट करूंगा। FI इनफ्लोज, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इस जो पिछले साल जो निकला है उसमें 55,000 करोड़ से भी ऊपर के FI इनफ्लोज आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे इनफ्लोज हैं। एंड दिस इज़ डिस्पाइट 65,000 करोड़ की सेलिंग जो उन्होंने सिर्फ मार्च लास्ट ईयर में की थी। तो उसके बावजूद नेट नेट पूरे साल में 55,000, मतलब 65,000 करोड़ की सेलिंग करने के बाद मार्च में 120,000 करोड़ की बाइंग हुई, तभी जाके नेट 55,000 करोड़ की हुई। तो पिछले 6 महीने में जो बाइंग आई है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड आई है। ऐसी कभी भी इतनी वॉल्यूम की बाइंग इतने छोटे समय में नहीं हुई। और अगर 2019 की बात की जाए तो सिर्फ पूरे साल में सिर्फ 39,800 करोड़ की बाइंग थी, और इस साल डिस्पाइट कोविड फियर और डिस्पाइट मार्च में 55,000 की सेलिंग, ओवरऑल बाइंग इज 55,000 करोड़। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड FII बाइंग है। दिस ऑल्सो गिव्स अस द इम्प्रेशन कि भी ये जो बुल मार्केट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। इसके अलावा अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर है 2006 से। 2003 की जो बुल मार्केट चली थी वो 2006 में एक बहुत वाइल्ड करेक्शन आया था, जब इंडेक्स सेंसेक्स 12,600 से नीचे आके 9,000 के नीचे आया था। वहाँ से रिवर्स होके मार्केट फिर वापस 21,000 गई थी इन द नेक्स्ट अबाउट 18 मंथ्स, 2006 के मिडल से लेके 2007 के एंड तक। मैं नहीं कह रहा कि अब अगले 1.5 साल में यहाँ से इस तरह के मूवमेंट आने वाला है, पर बड़ा सिमिलर सेटअप है। जो सेंसेक्स ने किया था वही निफ्टी ने अब किया है। निफ्टी ने 12,400 से 8,000 और इंटरडे 7,500 का लो टच किया, वहाँ से ग्रेजुअली बिल्ड हुई है मार्केट, अब 12,400 को ब्रेक करके नई हाई पे गई है। मैं नहीं कह रहा कि अगले 1 साल में ये 21,000 हो जाएगा निफ्टी, बट काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है। और मेरे मुताबिक ये मार्केट ना सिर्फ अच्छे लेवल छुएगी और सस्टेन करेगी, कम से कम 1.5 साल और सस्टेन कर सकती है और काफ़ी अच्छे अनइमेजिनेबल लेवल्स को छू सकती है। और ओवरऑल जो है पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टॉक मार्केट अगले कुछ सालों तक बहुत ही वाइब्रेंट और पॉइंट रहेगा, ये मेरे पूरी उम्मीद है। जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा रिएक्टेट कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी नहीं निकलना, आपने बने रहना है और हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानना है, क्योंकि अभी ये मार्केट कहीं से भी मैच्योर नहीं हो रहा, अभी भी ये अर्ली स्टेज है। जितना हुआ है 6-7 महीनों में पिछले में, उससे कहीं ज़्यादा अगले 1.5 साल 2 साल में होना है। तो इसलिए वह बने रहें। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। मैंने लास्ट से बताया था कि IT, हेल्थ केयर और कंजम्पशन, ये तीन थीम्स हैं। अब इसी को मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँगा। जो स्टॉक आइडियाज़ हैं उसमें से मेरा पहला स्टॉक आइडिया है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स मेरे मुताबिक बहुत अच्छी तरह से कंजम्पशन थीम को कैप्चर करता है, और कार्ड्स में ये ही एक लौती कंपनी है जो लिस्टेड है।
लार्जेस्ट प्योर कार्ट वे है इंडिया का, और जिस तरह से हमारे डेमोग्राफिक्स हैं और जिस तरह से हमारी कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा है बढ़ रही है, ये पूरी तरह कैप्चर कर रहा है। इसमें हमारा 1200 का टारगेट है जो कि 2023 की अर्निंग को 40 टाइम्स को डिस्काउंट कर रहा है, मेरे मुताबिक काफ़ी ईजिली अचीवेबल है। तो इसमें आप ज़रूर बाइंग करें और हर डिप पे इसको ऐड करें। दूसरा मेरा स्टॉक आइडिया है SBI लाइफ। SBI लाइफ जो हेल्थ केयर की थीम है उसको कैप्चर कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस की एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छा प्रेजेंस है, वैल्यूएशन वाइज बाकी लिस्टेड प्लेयर से सस्ते दामों में मिल रही है। और इसमें भी हमारा मेरा काफ़ी अच्छा मेरे मुताबिक 1200 का टारगेट बनता है इसमें, और जो कि एक कंजर्वेटिव टारगेट है और करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी अच्छा अराउंड तकरीबन 40% अपसाइड पोटेंशियल देता है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस, वैसे भी पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है और आगे जिस तरह से कोविड स्केयर के बाद सबको एक तरह से लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आई है, दर्शाई है, तो लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन आगे चल के बढ़नी है। और ये इस स्टॉक को आप हमेशा आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और हर डिप में बाइंग कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये तीसरा पिक है जो कि कंजम्पशन थीम को बड़े अच्छे से कैप्चर करता है। पूरा अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर का, इसका पूरा जो रेंज है स्टेपल्स हैं और जो पूरा इन्होंने अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसको कंसोलिडेट किया है। इनके पास बेवरेजेस का बिजनेस पहले था, स्टेपल्स का बिजनेस ऐड हुआ तो, और साथ में स्टारबक्स का फ्रेंचाइजी है। तीनों चीज़ें मिलाई जाए तो बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बनता है। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है और मेरे मुताबिक अभी इस स्टॉक में और भी काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है, और इसमें हमारा टारगेट है 720 का जो कि FY23 की EPS को 40 टाइम्स करता है। अभी भी अराउंड 600 अगर मिलता है तो अराउंड 20% अपसाइड आपका क्लियर है और बहुत लिमिटेड डाउनसाइड है, क्योंकि कंजप्शन स्पेस है। ये अगर कोई क्रेश आता भी है तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। तो मेरे मुताबिक यहाँ से आप बाइंग शुरू करें, हर डिप में आप इसमें ऐड करें। ये स्टॉक अच्छे से रीरेट हो चुका है और यहाँ से अगले कई साल तक भी आप रख सकते हैं, तो ये काफ़ी मल्टीप्लाई करेगा। ये और SBI लाइफ, SBI कार्ड्स तीनों मेरे मुताबिक बहुत अच्छे कंजम्पशन और इंश्योरेंस के प्लेज हैं, और तीनों यहाँ से मल्टी बैगर हो सकते हैं अगर आप कई साल तक रखें, पर एक साल में भी इनका डिसेंट अपसाइड टारगेट है। इसके अलावा एक हेल्थ केयर की एक और जो कंपनी हम ले सकते हैं वो है मैक्स हेल्थ केयर। इसका मैंने अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर पूरे दो हॉस्पिटल्स का जो सेक्टर है और इनके पास क्लिनिक्स भी हैं, इसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में इनकी बड़ी हिस्टोरिकली बड़ी अच्छी प्रेजेंस रही है, पर अब जो नई मैनेजमेंट आई है एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है, और मिस्टर सॉय जो अभी इनका होल टाइम डायरेक्टर है, इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो क्योंकि एक तरह से प्राइवेट इक्विटी का होल्डिंग है तो हॉस्पिटल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बहुत फोकस रहेगा, और आगे जो ग्रोथ है वो निश्चित है। और इंडिया में अभी भी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की बहुत शॉर्टेज है, तो इसका पूरा फायदा मैक्स को मिलेगा। अगर आप देखें तो जिस तरह से अपोलो ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिया है, मैक्स का मेरे मुताबिक यहाँ से उतना या उतने से भी बेटर रिटर्न हो सकता है। एक साल का हमारा टारगेट 200 का है जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छा अराउंड 40% अपसाइड दे रहा है आपको। बट अगर इसको भी अगर लंबी अवधि के लिए रखें तो आपका एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर स्थित हो सकता साबित हो सकता है। इसके अलावा हम IT की अगर बात करें तो विप्रो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है IT के सेक्टर के लिए, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा HCLTech, ये दो HCLTech और विप्रो मेरे का पिक्स है IT स्पेस में। HCLTech का टारगेट होगा 1250, अभी 9900 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो डिसेंट अपसाइड है। और विप्रो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, वो अभी टारगेट होगा अराउंड 500,
अभी अराउंड 370 380 के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा अपसाइड है विप्रो में खास करके, क्योंकि काफ़ी सालों बाद वापस टर्न राउंड हो रहा है, नई मैनेजमेंट आई है, नई डील्स भी उनकी क्रैक हो रही हैं, तो विप्रो पे आप खास नज़र रखिए। एक साल का टारगेट 500 ज़रूर है, बट अगर आप इसको लंबी अवधि तक रख सकते हैं तो ये यहाँ से काफ़ी अच्छा डबल ट्रिपल होने की क्षमता रखता है भी लार्ज कैप, बहुत सेफ है। तो ये ब्रॉडली फिक्स है। इसके अलावा मैं ये भी समझूंगा कि आपको थोड़ा विजिलेंट रहना है, स्टॉक आइडियाज काफ़ी आते रहेंगे, क्योंकि मेरे मुताबिक जहाँ चाहे आईटी हो, हेल्थ केयर हो, कंजम्पशन, ये तो ब्रॉड थीम्स होंगी। इसके अलावा कंजम्पशन और आईटी से रिलेटेड एक थीम टेलीकॉम की भी है, इसके अंदर भारतीय एयरटेल, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं आप उसको ले सकते हैं, अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो वोडाफोन आइडिया को ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया में रिस्क जरूर है क्योंकि अभी कंपनी टर्न राउंड नहीं किया, पर अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो उसमें पोटेंशियल रिटर्न बहुत अच्छा है और बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये स्टॉक आइडियाज़ हैं। इसके अलावा नए नए स्टॉक आइडिया आते रहेंगे, पर आप ये थोड़े से मैंने एक सैम्पल दिया है आपको आइडियाज़ का, टॉप पिक्स का, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ज़रूर समझूंगा कि आप मार्केट में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि हर क्राइसिस के बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो खास करके आईटी रिलेटेड और हेल्थ केयर रिलेटेड और बड़ी अच्छी थीमेटिक स्टॉक्स आएंगे, तो उसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही एक सैम्पल है, बट आप ज़रूर फॉलो करते रहें और हम आपको आइडियाज़ और नए नए देते रहेंगे। मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा फिर से कि ये साल हर तरह से आपके लिए अच्छा हो, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में, ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल खुशहाली दे आपको, खुश रहें, हम सब मिलते रहें और जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो भी बहुत अच्छी से वापस आए। ये सब की उम्मीद के साथ फिर से एक बार सबको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you so much and please do keep watching my YouTube videos and keep sharing them if you like it. Thank you so much. Happy New Year. Namaskar.